नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डॉक्सिनेट टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, डॉक्सिनेट टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और डॉक्सिनेट टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि डॉक्सिनेट टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में डॉक्सिनेट टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। डॉक्सिनेट टैबलेट का उपयोग प्रेग्नेंट महिलाओं में उल्टी आने का मन होना और जी मिचलाना आदि समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा डॉक्सिनेट टैबलेट में विटामिन B6 भी मौजूद होता है। विटामिन B6 को पाइरिडोक्सिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B6 प्रेग्नेंट महिलाओं में न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करता है और शरीर में खून की कमी होने से बचाव भी करता है। डॉक्सिनेट टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। डॉक्सिनेट टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन डोक्सिलामाइन 10 mg और पाइरिडोक्सिन 10 mg होता है। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि डॉक्सिनेट टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। डॉक्सिनेट टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर ज्यादातर प्रेग्नेंट महिलाओं को डॉक्टर डॉक्सिनेट टैबलेट को शाम को सोते समय लेने की सलाह देते हैं। उल्टी आने या जी मिचलाने की समस्या ज्यादा होने पर डॉक्टर डॉक्सिनेट टैबलेट को दिन में 2 बार भी लेने की सलाह दे सकता है। अगर आपके डॉक्टर ने डॉक्सिनेट टैबलेट को सुबह भी लेने की सलाह दी है तो डॉक्सिनेट टैबलेट को सुबह खाली पेट लेना ज्यादा अच्छा होता है। कुछ महिलाओं को डॉक्टर डॉक्सिनेट टैबलेट की 2 टैबलेट को भी शाम के समय एक साथ लेने की सलाह दे सकता है। डॉक्सिनेट टैबलेट की खुराक, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको डॉक्सिनेट टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना डॉक्सिनेट टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि डॉक्सिनेट टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में डॉक्सिनेट टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में डॉक्सिनेट टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे चक्कर आना, सिर दर्द, मुंह में सूखापन, नींद ज्यादा आना, पेट में दर्द, त्वचा पर रैशेस और कब्ज की समस्या हो सकती है। अगर आपको डॉक्सिनेट टैबलेट को लेने के बाद कोई भी असामान्य लक्षण होता है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि डॉक्सिनेट टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में डॉक्सिनेट टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए डॉक्सिनेट टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि डॉक्सिनेट टैबलेट माँ के दूध के जरिए बच्चे तक पहुँच सकती है और दूध पीने वाले बच्चे में साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकती है। इसलिए स्तनपान करा रही महिलाओं को डॉक्सिनेट टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। आँखों में ग्लूकोमा होने पर, पेट की आंतों में रुकावट होने पर और पेट में अल्सर होने पर डॉक्सिनेट टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है, इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना डॉक्सिनेट टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को डॉक्सिनेट टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट जैसे डोक्सिलामाइन या पाइरिडोक्सिन आदि से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को डॉक्सिनेट टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका डॉक्सिनेट टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।